माँ बाप डर रहे हैं, ससुराल में है बेटी। हमने दहेज में तो स्टोव भी दिया था, कोई हमें बता दे किस हाल में है बेटी। माँ बाप डर रहे हैं, ससुराल में है बेटी। डर निकाल दीजिए, क्योंकि जीवन में अन्य रस भी होते हैं और एक रस ऐसा होता है जिसमें आदमी बेबस होता है। और हमारे बीच में जनाबे पॉपुलर मेरिठी से बेबस कोई नहीं है, हालांकि टाई नौशे मियां वाली लगाई है। बड़े जज के आए हैं, पहले तो इनके सौंदर्य रूप पर तालियां बजा दें और इनसे पूछें कि दुल्हन की ओर से क्या क्या तानाकशी हुई और इन्होंने क्या किया। चंद चार चार पंक्तियां, छह पंक्तियां पेश कराऊं पहले? आठ आठ भी कर सकते हैं। दीवानगी शौक का आलम है कुछ अजीब जी, दीवानगी शौक का आलम है कुछ अजीब, हासिल है रहनुमा ना कोई हम सफर नसीब, खाता हूँ ठोकरे मैं सरे कूचे हबीब, हैरत की बात यह है कि ससुराल के करीब। दीवानगी शौक का आलम है कुछ अजीब, हासिल है रहनुमा ना कोई हम सफर नसीब, खाता हूँ ठोकरे मैं सरे कूचे हबीब, हैरत की बात यह है कि ससुराल के करीब, पहचानता नहीं हूँ खुद अपने ससुर को मैं, उनसे ही पूछता हूँ कि जाऊँ किधर को मैं। पहचानता नहीं खुद अपने ससुर को मैं, उनसे ही पूछता हूँ कि जाऊँ किधर को मैं। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पांव फैलाऊं तो दीवार में सल लगता है। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पांव फैलाऊं तो दीवार में सल लगता है। और शादी के बाद राहे तरक्की तो बंद है, शादी के बाद राहे तरक्की तो बंद है, हाँ उनके दिल में राह किए जा रहा हूँ मैं, हाँ उनके दिल में राह किए जा रहा हूँ मैं, बीवी से कितना प्यार है मुझको, इसीलिए हर साल एक गवाह किए जा रहा हूँ।